गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को दीप बिहार इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब पर स्वागत है। हम लोग अब आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 तक हम लोग कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 का चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो फर्स्ट है आपका सममित आवयु, दूसरा है विषम सममित आवयु, तीसरा है लंब आवयु और इसी का फिर प्रॉपर्टीज सब है और इसी प्रॉपर्टीज पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं सममित आवयु, यानी तो हम लोग सममित आवयु के बारे में समझते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं और इसी एग्जांपल से हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे कि कैसे होगा। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं इस तरह से और ये मैट्रिक्स है मेरा और देखते हैं इसमें क्या हम लिखे हैं। और ये 8, यहाँ पे 6 या 8, ये 6, ये 5 और यहाँ भी 5। तो इसमें एक ख़ास पैटर्न पे ये लिखा गया है, बताते हैं इसमें ख़ास पैटर्न क्या है। आप लोग ये जानते होंगे कि ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल है, ये मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं ये कितना है, 8 लिखा हुआ है, इसका एड्रेस कितना है। इस 8 का अगर एड्रेस बताया जाए तो 1, 2 है ना, और ये यहाँ पर 8 है तो इसका कितना एड्रेस है, इस जगह का पोजीशन जो है वो कितना होगा, वहाँ ए क्या है इसमें 2, 1 है, 2, 1 सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में। ये जगह 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे 8 है। अब क्या है यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 है। अगर इसका पोजिशन लिखा जाए तो ये 1, 3 है, ए 1, 3 और ये क्या है 3, 1 है, ए 3, 1। तो देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है, 1, 2, 12 हो रहा है तो यहाँ पर कितना है 21 है, यहाँ पर कितना है 13 है तो यहाँ पर कितना है 31 है। इसका जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन के साथ ये क्या हो रहा है, सेम अंक आ रहा है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है 5 है। ये कितना होगा, इस जगह का पोजिशन जो होगा वह कितना होगा, ये सेकेंड रो और ये कितना है थर्ड कॉलम, यानी कि 8, 2, 3। तो 5 कहाँ होना चाहिए, अब 3, 2 पे होना चाहिए, तो यहाँ पर 3, 2 है ये तो यहाँ पर 5 है। तो इस तरह से आप क्या समझे कि डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसका पोजीशन क्या है, A11 होता है, A22 और ये क्या है A33। अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, A11 का अगर चेंज करेंगे 11 का रेसिपोर का पढ़ते हैं डिजिट को 11, इसको डिजिट को पलटेंगे तो 11 ही आएगा, 22 का पलटने पर 22 ही आएगा, 33 को 33 ही आएगा। तो ये सब में चेंज नहीं होता है, लेकिन क्या होता है सममित आवयु में कि इसका जो एड्रेस जो होता है 1, 2 लिखा हुआ है तो वो क्या होता है 2, 1 भी वही होना चाहिए। ये 6, 1, 3 है तो 3, 1 पर भी कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। तो हम क्या डिफिनेशन बनाएंगे कि एक मैट्रिक्स होना चाहिए आपका, ए एक मैट्रिक्स होना चाहिए और कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसमें रो और कॉलम की संख्या सेम होना चाहिए और उसमें आपका कोई एक मैट्रिक्स है ये ए एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेते हैं 2, 4, 5 और हमसे बोला कि बोला जाए कि आप एक सिमेट्री मैट्रिक्स लिख के दिखाइए एग्जांपल में, तो हम अपने तरफ से एक डायगोनल मैट्रिक्स का एक डायगोनल ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लिखने का मन, अगर यहाँ -4 लिख दिया तो इसका जगह कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पर -4 लिख देंगे। अगर यहाँ पे कितना -6 लिखा तो यहाँ पे कितना होगा -6। उसके बाद यहाँ पे अगर 8 लिखे तो यहाँ पर 8, तो ये क्या हो गया आपका एक सिमेट्री मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिख दिया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होता है और एक मैट्रिक्स लिखें AT=A। अब AT क्या होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। तो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आपका ये जो है एक मैट्रिक्स है 2, 4, 5, 6 इस तरह से और ये 80 लिख दिए, मतलब क्या किए, ट्रांसपोज किए। ट्रांसपोज करने में मतलब क्या कि रो को कॉलम में बदलना है, ये रो है इसको कॉलम में बदलना है, 2, 4 और ये 5, 6, ये
रो को कॉलम में बदल दिया तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि ट्रांसपोज करने के बाद क्या होना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो जैसे ये मैट्रिक्स मैं लिख चुका हूँ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या होगा, ए टी। तो ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीका है, रो को कॉलम में बदल देना है। तो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में 2-4-6, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -4, ये 8, ये कितना है -6, 8 और ये 5। तो इस तरह से देखते हैं, इसमें और इसमें देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, 2 तो 2 है, -4, -6, -4 तो -4 है, 4, 8, 8 ये -6, ये -6, 8 यहाँ पे 8, ये 5, ये 5। तो ये मैट्रिक्स ए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों क्या है, इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स जो होगा ए टी इक्वल टू ए हो जाए तो मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि सममित आव्यूह क्या है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स रह जाए, चेंज नहीं करे, तो वह क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाता है। और सममित आव्यूह का अगर एग्जांपल लिखना होगा तो इस तरह से हम एग्जांपल इसको क्रिएट कर लेंगे, खुद से बना लेंगे। एक अगर ये 3 ऑर्डर का है, अगर हमको कोई बोले कि आप 2 ऑर्डर के लिख के दिखाइए, हमको 2x2 के लिख के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5, अगर यहाँ 6 लिखें, ये 6 है तो यहाँ 6 लिखना होगा, और यहाँ पे कितना कुछ भी लिख दो, डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर 8 लिख दिए। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, 80 निकालेंगे, तो इस 5, 6 का ऐसे लिखेंगे, इस रो को कॉलम में और इस रो को यहाँ पे लिखेंगे, 6 और ये 8, क्या दोनों में फ़र्क हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरह से AT इक्वल टू A आ गया। तो इस दोनों ये मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, सममित आव्यूह कहलाएगा ये मैट्रिक्स। तो अब इसका मैं डिफिनेशन पे आ जाता हूँ, पहुँच कीजिए। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वो साधारण भाषा में नहीं देखेंगे, वो आपको बुक में मिल जाएगा साधारण भाषा में लिखा हुआ। हम यहाँ देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स होगा AIJ, यहाँ पे n क्रॉस n होगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, n क्रॉस n होगा। अब ये कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स ये आपका सममित आव्यूह कब कहलाएगा, जब AT इक्वल टू ए। AT मतलब क्या हो गया, ए पर टी पावर है, मतलब कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर फिर ए आ जाए तो वह क्या कहलाएगा आपका, ये सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये इस तरह से फिर भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ और इक्वल टू JI, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, सममित कहलाएगा। देखते हैं एग्जांपल में, आपका ये 2, ये 4, ये यहाँ पे कितना होगा, ये 4 होगा और ये आपका 6। इस तरह से ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है AIJ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये आपका कितना होगा, ये A11, A12 इसका जगह है 2-1 और ये 2-2। तो ट्रांसपोज करेंगे AT तो ये 2 होगा और ये कितना होगा, 4 होगा, ये क्या है 4। तो ये चेंज कर गया, A11 तो रह गया लेकिन ये A यहाँ पर A12 है तो ये कहाँ पर चला आया, A21 पे आ गया। तो क्या हो गया कि ये बदल गया IJ, तो यहाँ पर क्या हो गया JI, पहले कितना था 1-2 था तो यहाँ पर आकर कितना बन गया 2-1 बन गया। तो AIJ और यहाँ पे क्या है AJI दोनों बराबर होगा, दोनों का एलिमेंट सेम हो जाएगा तो वो क्या होगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बताएं कितना, यहाँ पर A12 और फिर कितना A21, दोनों बराबर है, ये चार क्या है, दोनों बराबर है, किसके, ये चार के बराबर। तो इस तरह से फिर आगे भी चेक कर लेंगे कितना, A11 तो 11 का उल्टा कितना होगा, 11 ही होगा, दोनों बराबर है, वही होगा 2। फिर इसका देखते हैं, अगर तो इसमें 2 होगा है, ये इसके बराबर, और 2-2 के बराबर तो क्या होगा, 2-2 होगा, तो ये इसके बराबर है। तो इस तरह से ये क्या है आपका, सममित आव्यूह है। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये 2-4 तो 2-4 हो गया, ये कितना 4, ये 6 तो ये 4-6 हो गया। अब दोनों में देखते हैं, ये मैट्रिक्स ए है और ये AT है, क्या दोनों बराबर है,
2 4 2 4 4 6 4 6। हाँ दोनों बराबर है तो लिख देंगे कि ए टी इक्वल टू ए, इसलिए क्या है ये मैट्रिक्स जो है ए जो है वो सममित आव्यूह है, तो आपका सममित आव्यूह होने के लिए दो कंडीशन, या तो हम ये लिख लेंगे ए पर टी पावर मतलब कि ए का ट्रांसपोज ए होना चाहिए, या इसी को हम ये जो हो गया एलिमेंट के रूप में उसके अवयव के रूप में ए आई जे जो होना चाहिए वह बराबर हो जाना चाहिए किसके, ए जे आई के बराबर हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा आपको सममित आव्यूह कहलाएगा। तो इस तरह से ये मेरा सममित आव्यूह का डिफिनेशन हो गया। अब क्या करना होगा, कोई क्वेश्चन आ जाए कि चेक कीजिए कि दिया गया मैट्रिक्स जो है वो सममित आव्यूह है, एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे ए लिख दिया जाएगा क्वेश्चन, इस तरह से मेरा क्वेश्चन है और ये आपको पूछ दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन ये मैट्रिक्स जो है वो सममित आव्यूह है या नहीं है। तो हम इस तरह से कुछ ये मैट्रिक्स देख कर ही बता सकते हैं, बिन कुछ प्रोसेस किए हुए ही बता सकते हैं। सिर्फ इतना ही सोचना होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे जो है -5 है, नहीं है, या इसका जगह कितना है A12, इसका जगह कितना है A21, 1 2, तो 1 2 का उल्टा 2 1, तो क्या दोनों के जगह पर जो एलिमेंट होगा सेम होना चाहिए, तो यहाँ -5 है तो यहाँ कितना है 8 है, तो ये आपका सममित आव्यूह नहीं है। इस तरह से हम ये जानकारी हासिल कर लिए, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो टिक मार देंगे सममित आव्यूह नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा बनाने का, जो प्रोसेस क्या होगा तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ए टी निकालेंगे, ए टी मतलब ए का ट्रांसपोज मतलब ए का परिवर्त आव्यूह, ए टी को हम लोग दूसरा तरीका से भी सूचित करते हैं, ए डैश से सूचित करते हैं या ए पर स्मॉल पावर टी से भी, तीन तरीका से लिख सकते हैं, ए पर कैपिटल टी, ए डैश या ए पर स्मॉल टी पावर, इस तरह से लिखेंगे। ये सारा जो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, यानी कि परिवर्त आव्यूह को ये डिनोट करेगा। तो परिवर्त करते हैं इसका, तो कैसे परिवर्त होता है, इस रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, तो ये 2 -5 ये 6, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 8 4 5, अब ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 8 3, इस तरह से। अब देखते हैं कि क्या ये ए के बराबर है, मैट्रिक्स ए के बराबर है, ये 2 तो 2 है, यहाँ कितना -5 तो यहाँ कितना आ गया 8, इक्वल नहीं है, यहाँ 6 है तो ये 2 है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि ए डैश ए टी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू ए, तो ये जो है सममित आव्यूह नहीं है। तो सममित आव्यूह को चेक करने के तरीका हो गया कि अगर ए पर टी पावर इक्वल टू ए आ जाए तो सममित, अगर ए नहीं आ जाए तो वो सममित नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सममित क्या होता है। अब मैं दूसरा पढ़ाता हूँ, विषम सममित आव्यूह। तो मेरा दूसरा टॉपिक है विषम सममित आव्यूह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स का जो विकर्ण जो होता है वह विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो 0 होते हैं, और बाकी जो एलिमेंट होते हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक में प्लस होता है तो दूसरा में माइनस होता है। तो देखता हूँ मैं इसमें कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक मैट्रिक्स ए ए आई जे, ये एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स होगा, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर क्या आ जाए माइनस ए आ जाए तो ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इस चीज़ को हम लोग एनसीईआरटी बुक में डैश देता है, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए लिखने पर ये कितना आ जाए माइनस आ जाए, तो ये आपका विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे विषम सममित में यहाँ पे 0 0 0 लिख लिया और ये -2 तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, ये 6 तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे ये छूट गया तुमने। एक मैं फिर से दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, इसमें कुछ एरर हो गया, चलिए। तो ये दूसरा ये एक एग्जांपल से मैं इसको समझा रहा हूँ। इसमें मैट्रिक्स में यहाँ पे एग्जांपल ये 0 2 ये 5, अब यहाँ पे 2 है तो इसका जो ये 1 A12 है तो इसका उल्टा यहाँ पर आता है 2 1, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितना -2 होना चाहिए,
माइनस टू, फिर यहाँ पे जीरो और यहाँ पे हम सेवन लिख लिए हैं, तो ये फाइव है, तो इस ये कितना है वन थ्री, तो थ्री वन यहाँ पे आता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस फाइव, उसके बाद ये सेवन है तो यहाँ पे माइनस सेवन और ये जीरो। इस तरह से ये आपका हो गया विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के प्रत्येक अवयव जो होते हैं ये जीरो जीरो होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू है, एक दो पे कितना है टू है, तो दो एक पे कितना होगा माइनस टू, साइन यहाँ पर बदल जाता है। यहाँ पर एक तीन पे कितना है पाँच है, तो तीन एक पे कितना होगा माइनस पाँच होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन एक पे ए थ्री एक, थ्री एक पे कितना है माइनस पाँच है, तो एक तीन पे कितना होना चाहिए फाइव होना चाहिए, माइनस है तो यहाँ पर प्लस फाइव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये इसका कितना पोजिशन है, ए टू थ्री है तो थ्री टू का कितना होगा, तो ये मेरा कितना है ए थ्री टू, तो यहाँ पे सात है तो यहाँ कितना होगा माइनस सात होगा, या यहाँ पर माइनस सात है तो यहाँ पर कितना सात होगा। इस तरह से ये क्या हो गया विषम सममित आव्यूह हो गया। तो विषम सममित आव्यूह आप लोग खुद से एग्जांपल लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे हम मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, इसके बाद अगर थ्री क्रॉस थ्री का लिखना है तो यहाँ पर जीरो 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 ऐसे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर जो डिजिट लिखना है, अगर माइनस एट लिख दिए हैं तो हम लोग को यहाँ पे कितना लिखना होगा आठ लिखना होगा। यहाँ पे अगर सेवन लिख दिए हैं तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सेवन हो जाएगा। अगर यहाँ पे फाइव लिख दिए हैं तो यहाँ पर माइनस फाइव लिखना होगा। तो इस तरह से ये जो है विषम सममित आव्यूह आपका लिखा गया। चलिए इसको हम चेक करते हैं, ये चेक कैसे करेंगे, तो इसका डिफिनेशन बताया गया कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिख दिया गया है, अब हम क्या करते हैं ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालने का मतलब क्या हो गया, इस रो को कॉलम में बदल देना। तो यहाँ पे कितना है ये जीरो, ये कितना माइनस एट, ये कितना आपका सेवन, ये कितना है एट जीरो फाइव, तो एट जीरो माइनस फाइव, ये कितना है माइनस सेवन फाइव और जीरो, तो ये ए डैश निकल चुका है। अब ए डैश इक्वल टू कितना आना चाहिए माइनस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ए डैश इक्वल टू माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है जीरो में माइनस प्लस कुछ नहीं लिखते हैं, ये कितना है प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एट, ये माइनस है तो प्लस सेवन हो जाएगा, ये माइनस एट है तो प्लस एट हो जाएगा, ये जीरो ये कितना माइनस फाइव, ये कितना माइनस सेवन, ये फाइव और ये जीरो। तो देखते हैं कि क्या ये ए है कि नहीं, मैट्रिक्स ए है कि नहीं, तो मैट्रिक्स ए ये लिखा हुआ है, ये जीरो माइनस आठ और ये कितना सेवन, ये कितना है एट एट, ये जीरो, उसके बाद ये माइनस फाइव, ये माइनस सेवन फाइव जीरो, माइनस सेवन फाइव जीरो, ये दोनों इससे क्या हो गया मैच कर गया। तो हम लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है विषम सममित आव्यूह है। लिख सकते हैं क्या कि ए जो है विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरह से ये आपको एक पता चल गया होगा कि विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें आप लोग जान गए कि सममित आव्यूह में क्या होता है ए डैश इक्वल टू ए, ये सममित आव्यूह का परिभाषा में याद रखेंगे बस इतना ही, ये सममित में, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ये क्या हो गया विषम सममित में, ये विषम सममित आव्यूह का डिफिनेशन है, और ये क्या है सममित आव्यूह का डिफिनेशन है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम ये बता देते हैं कि ये जीरो 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 कैसे आया, ये जीरो जीरो कैसे आता है ये हम बता देते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि विषम सममित आव्यूह का ये विकर्ण जो है वो जीरो जीरो क्यों होता है ना, इसका क्या कारण है कि ये एलिमेंट जो है डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट है वह जीरो जीरो है। तो हम लोग जो विषम सममित आव्यूह का जो डिफिनेशन पढ़े उसमें क्या बताया गया कि ए फॉर पावर टी इक्वल टू माइनस ए, अगर इसी को ए डैश इक्वल टू माइनस ए ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, दोनों सेम है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं
कि ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, यहाँ देखिए वन टू तो क्या होना चाहिए, वन टू तो यहाँ पे टू वन इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ वन टू कितना है टू है, तो टू वन कितना है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस मिला के ये माइनस टू हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं ये कितना है, वन थ्री कितना है फाइव है, ए वन थ्री कितना है फाइव है, तो ए थ्री वन कितना होगा, तो ये आपका माइनस फाइव होगा, माइनस फाइव लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं ये सेवन, ये कितना है ए टू थ्री है, ए टू थ्री सेवन, तो ए थ्री टू कितना होगा, तो माइनस सेवन है, तो माइनस सेवन है। तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को लिखा गया है एक संकेत के रूप में कि ए जे आई, ये क्या है जे आई, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे, ये डिफिनेशन में है। तो अगर हम यहाँ क्या कर लेते हैं, आई के जगह पे जे को भर लेते हैं, आई इक्वल टू जे, आई के जगह पर जे को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ए या जे के जगह पर हम आई लिख सकते हैं, दोनों यहाँ इक्वल कर लिए हैं, तो ये जे जो है उसको आई कर लेते हैं, ये आई का आई हो गया, और ये माइनस यहाँ पे ए, ये आई इस जे के जगह पे आई लिख लिए, तो यहाँ पे ए आई आई हो गया, ये माइनस है तो ये साइड आएगा, तो क्या होगा प्लस हो गया ए आई आई, और इस इधर क्या होगा जीरो, तो ये क्या हो गया ट्वाइस ए आई आई इक्वल टू जीरो, ए आई आई इक्वल टू जीरो बाई टू, ये जीरो, तो ए आई आई मतलब दोनों सेम, आई आई मतलब आई का मान एक रखेंगे तो ए वन वन आ जाएगा, और कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, आई का मान टू रखेंगे तो टू टू हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ए थ्री थ्री ये कितना जीरो, तो ए वन वन टू टू थ्री थ्री ये सब किसका एलिमेंट होता है, ये सब विकर्ण का होता है, विकर्ण में वन वन टू टू थ्री थ्री रहेगा, तो समझ आए कि ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण में क्या लिया गया है जीरो लिया गया है। तो इस तरह से सममित आयु का जो विकर्ण के जो अव्यय होते हैं वह जीरो 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 होते हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये जो विधि है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ।